मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतना केवल बोल रहा हूँ, क्वेश्चन किया आपने? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? मारो सर। हाँ, मारेंगे तो जरूर। यहाँ कोचिंग में होते तो नहीं कहे होते कि मारो, कोचिंग पे होते तो नहीं कहते मारो, घर पे बैठ के बोल रहे हो मारो। हाँ चलिए, देखिए जो कल क्वेश्चन दिया था उसको कर लीजिए। इसमें ये एक यम मास का ब्लॉक था और इसको थ्रेड से इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये एम मास का ब्लॉक था, तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन फाइंड करने को दिया था आपको, वो आपने किया नहीं। बताए नहीं थे? कैसे बताया जाता है भाई? बना नहीं, चलिए देखिए कैसे करेंगे। थोड़ा कठिन है। अब देखिए, इसको करने के लिए पहले तो हम इसका एक्सीलेशन ए मानेंगे। देखिए ये डायग्राम दिया गया था, ये एम मास है और ये भी एम मास, सेम मास की दो बॉडी हैं, और इस ब्लॉक को स्मूथ सरफेस पे रखा गया है। कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस पे। तो ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे तो ये एक्सीलेट करेगा, ये डाउनवर्ड। तो इस सिस्टम का एक्सीलेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलेशन फाइंड करना है इस सिस्टम के लिए। तो पहले हम इस ब्लॉक फर्स्ट की एफबीडी बनाएंगे और फिर सेकेंड की एफबीडी बना के एक्सीलेशन निकालेंगे। तो पहले हम एफबीडी ऑफ ब्लॉक फर्स्ट बनाते हैं। तो बनाइए ब्लॉक फर्स्ट की एफबीडी। तो इसकी एफबीडी जब ब्लॉक फर्स्ट की बनाएंगे तो इस पे टेंशन लगेगा टी, ये राइट डायरेक्शन में, तो ये टेंशन टी होगा, इसका एम जी डाउनवर्ड लगेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन और ये एक्सीलेशन होगा। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू एम जी के होगा और टी इज इक्वल टू एम ए के। इसके बाद एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक सेकेंड की, तो ब्लॉक सेकेंड की एफबीडी बनाइए। देखिए इसमें एम जी डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन टी अपवर्ड और एक्सीलेशन डाउनवर्ड है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो ये थर्ड इक्वेशन, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा टू एम ए के। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी जी बाई टू। अब एक्सेलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना था, तो वेक्टर ए सी एम की वैल्यू होगी एम वन ए वन, ये फार्मूला होता है, प्लस एम टू ए टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एम वन की वैल्यू एम, ए वन की वैल्यू ए है, ए की वैल्यू जी वाई टू, तो जी वाई टू आई कैप, एम टू की वैल्यू एम और इसकी एक्सीलेशन की डायरेक्शन माइनस जी कैप में है, तो माइनस मैंने पहले लगा दिया जी वाई टू जे कैप डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ये टू एम हो जाएगा।
अब देखिए इसमें m कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए तो जी वाई टू आई कैप माइनस जी वाई टू जे कैप होगा और 2 से डिवाइड करेंगे यानी ये वैल्यू आ जाएगी ए सी एम की जी वाई फोर आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो ये एक्सीलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा जी वाई फोर आई कैप माइनस जे कैप। तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे हम ये m1, m2, m3, m4 और ये mn ये मास लेंगे और ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा cm। तो ये m1 के लिए हम ये हाइट इसकी ये y1 ले लेते हैं, m2 के लिए ये y2, m3 के लिए y3, m4 के लिए y4 और mn के लिए yn और ये ycm। तो देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है u, तो u की वैल्यू होती है mgh, यानी यहाँ पर u cm की वैल्यू होगी mg इंटू वाई सी एम के इक्वल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के लिए जब लेंगे तो सेंटर ऑफ मास यानी ये m हो गया टोटल मास इसका कंसिडर करेंगे और g और ये हो जाएगा वाई सी एम। अब वाई सी एम की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो वाई सी एम की वैल्यू होगी एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस डॉट डॉट एम एन वाई एन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू टोटल मास कैपिटल एम होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एम वन जी वाई वन प्लस एम टू जी वाई टू प्लस एम एन जी वाई एन और ये वैल्यू है यू वन प्लस यू टू प्लस डॉट डॉट यू एन यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आएगी ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। देखिए समझ लीजिए यू सी एम की वैल्यू एम जी वाई सी एम के इक्वल होगी। अब एम जी वाई सी एम यानी सेंटर ऑफ मास वाई सी एम की जो वैल्यू होगी एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस डॉट डॉट एम एन वाई एन डिवाइडेड बाई टोटल मास कैपिटल एम, कैपिटल एम से कैपिटल एम ये कैंसिल हो जाएगा, जी से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम वन जी वाई वन प्लस एम टू जी वाई टू प्लस डॉट डॉट एम एन जी वाई एन ये एम वन जी वाई वन होगी यू वन की वैल्यू और ये हो जाएगा यू टू और ये यू एन, टोटल ऐड करेंगे तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ओके, नहीं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देखिए हम डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे।
तो ये m1 वेलोसिटी v1, ये m2 v2 वेलोसिटी, v3 m3 और ये mn vn और ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी एम ये हो जाएगी हाफ एम और ये वी सी एम स्क्वायर लेंगे और वी सी एम की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हाफ एम वी सी एम की वैल्यू होगी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम एन वी एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एम और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी सेंटर ऑफ मास के लिए। ओके, फिर हम काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की फाइंड करेंगे तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम एन वी एन स्क्वायर। तो देखिए इससे पहले हमने मोमेंटम से सेंटर ऑफ मास का फाइंड किया था और मोमेंटम सिस्टम का फाइंड किया था वो भी इक्वल आया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी इक्वल आई थी सिस्टम और सेंटर ऑफ मास के लिए, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगी, ये जनरल केस में होता है, स्पेशल केस में इक्वल होगी। अब स्पेशल केस क्या होता है, जब इक्वल होती है यदि अगर यहाँ पर जितने भी मास हैं m1, m2, m3 इन सभी का मास mn ये सेम हो और जो इनकी वेलोसिटी है v1, v2, v3, ये vn ये इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वैल्यू सेंटर ऑफ मास ये इक्वल टू होगी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के, ये स्पेशल केस में होता है। ओके हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो देखिए कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम में ये किसी एक यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म ये इस तरह से ऑब्जेक्ट दिया है, इसकी डेंसिटी दी होगी ये इस तरह से, ये कोई डीएम मास है और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हैं। देखिए एक ये ऑब्जेक्ट दिया गया, एक बॉडी दी गई है तो इसमें मैंने डीएम मास कट किया है और इसका टोटल मास कैपिटल एम है, कितना है टोटल मास कैपिटल एम है और यहाँ पर ये मैंने डीएम मास कट किया है, इस डीएम मास के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। अब इसके लिए जो हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो ये एक्स सी एम की वैल्यू होगी वन अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम,
वाई सी एम की वैल्यू होगी 1/M इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, और जेड सी एम की वैल्यू होगी 1/M इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम। तो ये कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम की वैल्यू होती है। ओके अरे हाँ समझ लो भाई, देखो कंटिन्यूस मास सिस्टम में हम एक्स सी एम की वैल्यू फाइंड करेंगे जब, तो 1/M का मास मतलब टोटल मास से डिवाइड करेंगे, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम होता है। ये डी एम मास, ये छोटा सा मास हम इसमें कट करेंगे, ठीक है। अब इससे सेंटर ऑफ मास हम फाइंड करके दिखाते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में इस रॉड का हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ये एम मास की रॉड है और एल लेंथ दी गई इसकी, तो अब इसमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए डी एम लेंथ कट करेंगे, और डी एक्स ले लेते हैं, एक्स लिया है। तो ये डी एम मास पहले हमको फाइंड करना होगा, तो डीएम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए लीनियर मास डेंसिटी लेमडा की वैल्यू m/L होगी, लीनियर मास डेंसिटी होती है मास अपॉन लेंथ। ओके अब डीएम इज इक्वल टू होगा लेमडा इंटू डीएक्स के, लेमडा की वैल्यू m/L इंटू डीएक्स हो जाएगी। अब यहाँ से हम एक्स सी एम की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये 1/M इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम होगी। अब यहाँ पर ये 1/M एक्स की जगह पे एक्स वैल्यू पुट करेंगे, डी एम की वैल्यू आई है m/L इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से L। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1/L कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 होगा, लिमिट 0 से L लगाएंगे। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो 1/L और ये L²/2, तो L से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से एक्स सी एम की वैल्यू आ जाएगी L/2, और ये हॉरिजॉन्टल में रखा है तो वाई सी एम 0 होगा, वाई सी एम कितना होगा 0, क्योंकि ये रॉड एक्स एक्सिस पे रखी है। ओके okay?